नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। और उम्मीद करता हूं कि आप सबका लॉकडाउन बहुत अच्छे से निकल रहा है, आप लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं डेली। तो आज आपकी उसमें थोड़ी और हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है director.rao, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। इस पर मैं पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ। तो एक पोस्ट मैंने डाली थी, एक मैट पेंटिंग मैंने शेयर की थी। तो ये लेक का सीन है, एक फैंटेसी लेक का सीन है। इसमें ये चांद के ऊपर ये जो है हमारी मॉडल लेटी हुई हैं। तो इस पर कमेंट आए हुए थे कि जैसे डी मोंस्टा कोरियो ने कहा कि प्लीज़ फोटोशॉप का सर ऐसा ट्यूटोरियल अपलोड कीजिए, किंग क्रिएशन स्टूडियो ने कहा कि वैसा एडिटिंग का ट्यूटोरियल तो आ गया होगा दृष्टिकोण पर, और ये गुस्से वाला स्माइली बनाया हुआ है। तो किंग क्रिएशन जी, अगर आप गुस्सा ना भी होते तो भी हम ज़रूर आपको बताते कि हमने कैसे बनाया। तो चलिए आज आपको हम ये सिखाते हैं कि इस तरह का सीन आप कैसे बना सकते हैं। पहले तो ये स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर ये चीज़ जो है इंस्टाग्राम के लिए ऐसा किया था। ओरिजिनल जो था वो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये ओरिजिनल एडिटेड इमेज है। तो इसमें लैंडस्केप फॉर्मेट में है, ये वाइड है ज़्यादा, बट इंस्टाग्राम के ऊपर ये थोड़ा छोटी हो जाती है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर फॉर्मेट में क्रॉप कर दिया था। तो ये इस टाइप का जो इफेक्ट है, ये मैट पेंटिंग जो है फोटोशॉप में हम कैसे बनाए। पहले तो जिन लोगों को नहीं मालूम है, अगर आप अलग अलग तरह की, जैसे इसमें लेक का बैकग्राउंड अलग लिया हुआ है, ये बटरफ्लाई अलग से ली है, जो फोटोग्राफ हमने क्लिक की थी मॉडल की वो अलग है, मून अलग से लिया है, तो ढेर सारी इमेजेस को जब हम लेकर के असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं फोटोशॉप के अंदर और एक इस तरह का एक सीन बनाते हैं नया, तो उसको मैट पेंटिंग कहा जाता है। जैसे नॉर्मल पेंटिंग होती है, आप ड्रॉ करते हैं और कलर्स भरते हैं, वैसे इसमें आप ऑब्जेक्ट्स उठाते हैं अलग अलग सोर्सेज से और उन सबको एक कोलाज की तरह मिक्सअप करते हैं, इस चीज़ को हम मैट पेंटिंग कहते हैं। तो ऐसी मैट पेंटिंग कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं। और एक और चीज़, अगर ये आप पूरा मैट पेंटिंग का ट्यूटोरियल देखेंगे तो अंत में हम बात करेंगे एक और चीज़ की, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आप सीन देखिए, वही मैट पेंटिंग है, तो आपने देखा कि अब इसके अंदर मोशन हो रहा था, इनकी जो लेग है मॉडल की वो थोड़ी थोड़ी ऊपर को जा रही थी और ये बटरफ्लाई आगे की तरफ आ रही थी, पीछे इसके पार्टिकल इफेक्ट जो है मूव कर रहे थे, वाटर पूरा मूव कर रहा था, स्काई मूव कर रहा था। एक बार दोबारा आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये पार्टिकल्स फ्लो कर रहे थे, तो इस तरह का जो ये इफेक्ट है, ये इसको जैसे आपने मोशन पोस्टर्स वगैरह के अंदर देखा होगा, कई मूवीज़ के मोशन पोस्टर आजकल जैसे आते हैं तो उसमें स्टिल इमेजेस को इस तरह से मूव किया होता है कि वो 3D के अंदर उसमें मूवमेंट नज़र आ रही होती है। जैसे इस सीन में हमको लग रहा है कि कैमरा हमारा जो है करेक्टर के पास जा रहा है और बाकी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेक मूव कर रही है, सब चीज़ें अलाइव हैं। तो इस तरह का इफेक्ट कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। उसके लिए पहले आप ये पूरा ट्यूटोरियल आपको देखना होगा कि मैट पेंटिंग बनती कैसे है, और ये स्टेप जो है उसके बाद वाला स्टेप होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो है हमें चाहिए ओरिजिनल इमेज। तो ये फोटोशॉप के अंदर मैंने ये फोटोग्राफ लेके आया हूँ। ये स्कूटर आपने जो है मेरी और वीडियोस में भी देखा होगा, अगर आप फॉलो करते हैं मुझे। तो ये यहाँ पर जो है हम, क्योंकि अगर आपको कोई भी इमेज बनानी है थोड़ा सा आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। अब जैसे हमारे माइंड में ऑलरेडी था कि हमने मून के ऊपर लेटे हुए दिखाना है, इस टाइप का सीन बनाना है, तो ऑलरेडी हमने इनको फोटोग्राफ इस पोस्चर में इनका क्लिक कर लिया, ठीक है। तो इसमें अभी जो है सबसे पहली चीज़ हमें करनी है, इनको कटआउट निकालना है। ये आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं फोटोग्राफ, जहाँ पे कंफर्टेबल स्पेस हो आपके लिए। और कटआउट के लिए क्या है कि सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। जूम करने के लिए कंट्रोल और प्लस आप प्रेस करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, कंट्रोल माइनस प्रेस करने से जूम आउट हो जाएगा, कंट्रोल और ज़ीरो प्रेस करने से फिट टू स्क्रीन आ जाएगा। तो हम थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं। एक और चीज़ ये है कि ये थोड़ा इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल है, तो फोटोशॉप का बेसिक आपको आता होगा ऐसा मैं लेके चल रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता तो भी मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक चीज़ें भी बताता जाऊँ साथ में, बट अगर थोड़ा आपको बेसिक आता होगा तो आप जल्दी इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जो मॉडल हैं उनका हमें पहले सिलेक्शन बनाना है। उसके लिए यहाँ पे कुछ सिलेक्शन टूल्स होते हैं, जैसे अभी नया फोटोशॉप जो आया है उसके अंदर तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी आ गया है। अगर मैं इसको पकड़ करके यहाँ पे इस तरह से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर देता है, बट आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये रह गई है एज, इधर गैप रह गया, इधर रह गया, और जो सिलेक्शन बना भी है उसके अंदर भी क्या है कि वो एजेस बड़ी क्लीन नहीं है। तो कंट्रोल डी प्रेस करके मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ।
यहाँ पे और ऑप्शंस हैं कुछ, लासो टूल, पॉलीगनल, मैग्नेटिक लासो। मैग्नेटिक लासो में क्या होता है कि ये इससे भी कुछ लोग सिलेक्शन बनाते हैं, जैसे आप किसी पॉइंट के ऊपर, एज के ऊपर इसको एक बार क्लिक कर दीजिए और फिर आप मूव करते जाएंगे तो ये सिलेक्शन बनता जाएगा। एक मेथड ये है, तो ऐसे भी आप सिलेक्शन बना सकते हैं। बट ये सब जो मेथड्स हैं इस तरह से करने वाले, इन सब में एजेस क्लीन नहीं आते हैं, तो मैं इसमें से कोई भी रिकमेंड नहीं करता। बेस्ट मेथड है, यहाँ पर आप पेन टूल देख पा रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें। अगर आपको इमेज को जूम इन होने के बाद मूव करना है तो स्पेस प्रेस करने से ये हैंड का साइन आ जाएगा, ये आ जाए जब, तो उसके बाद में आप लेफ़्ट क्लिक से इसको ड्रैग कर सकते हैं, और जब आप छोड़ देंगे स्पेस को तो वापस से आपका पेन टूल या जो भी टूल आपका एक्टिवेटेड था वो आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, पहला मैंने पॉइंट बना लिया, अब दूसरा मैं पॉइंट एक तो डायरेक्ट टिक टिक क्लिक करता जा सकता हूँ, उससे देख रहे हैं आप हार्ड जो है कॉर्नर्स बन रहे हैं, शार्प कॉर्नर्स बन रहे हैं। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ दो तीन बार, अब मैंने पहला पॉइंट बनाया, अगर मैं क्लिक करके छोड़ूँ ना उसको, प्रेस करके रखूँ माउस के बटन को और ड्रैग करूँ, तो ये थोड़ा सा मैं राउंड से दे पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ उसको तो मैं थोड़ी सी शेप दे पाता हूँ। तो इस तरह से शेप देते हुए हम जो हैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे, जहाँ जहाँ मुझे चाहिए कि शार्प कॉर्नर चाहिए वहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करूँगा, वहाँ पे मैं ताकि कॉर्नर मेरे पास आ जाए। अगर मैं यहाँ पर ड्रैग करता तो ये जो है इस तरह से राउंड उसे कर देता, तो मुझे यहाँ नहीं चाहिए था ऐसा, इसलिए यहाँ पर मैं शार्प क्लिक करूँगा। जो पेन टूल है ये मेरे मानने में जो है बेस्ट मेथड है सिलेक्शन का। इसमें आपका टाइम थोड़ा लगता है बट जो आपकी आउटपुट आती है वो बहुत ही क्लीन होती है, और अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है, अच्छा दिखने वाला काम करना है, तो मेरा मानना है कि पेन टूल की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे बढ़िया अभी तक कोई सिलेक्शन का मेथड नहीं आया है, ये हर केस में आपका एप्लीकेबल है। तो इस तरह से हम जो है सिलेक्शन बनाते जाएंगे। अब मैं जो है इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब हम यहाँ हेयर के पास पहुँच गए, तो जो फाइन डिटेल हेयर की है इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते ऐसे, तो मैं इस तरह से अभी जो है मोटा मोटा इसको आउटलाइन बना रहा हूँ, इसको आपको बताऊँगा बाद में इसको कैसे हम जो है फाइन डिटेल को वापस लाएंगे। तो ये आप उनको छोड़ सकते हैं उन बालों को, और बाकी जो मेन है उसके ऊपर आप उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ फेस के पास पहुँच गए, जहाँ पर आपको लगे कि ज़रूरत है आप और ज़्यादा जूम इन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी थोड़े से जैसे मैंने मिस कर दिया, कई बार हम बहुत ज़्यादा जूम्ड इन होते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कहाँ से सिलेक्शन बनाना है। ये बाल यहाँ पर रह गए थे तो मैं इसको आउटर से सिलेक्ट करूँगा। अगर कोई पॉइंट आप जैसे गलत बना देते हैं, थोड़ा सा आपको उससे मूव करना है, जैसे कि ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे मान ली ऊपर मूव करना है, तो इस पॉइंट के ऊपर लाते हैं आप और कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ये इस तरह का पॉइंटर बना जाता है, उसके बाद आप इस पॉइंट को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट पे जब हम पहुंच जाते हैं तो लास्ट पॉइंट पे जैसे ही मैं कर्सर को लेके आता हूं पेन टूल को, तो एक ये पेन टूल के साथ में ज़ीरो बना हुआ आता है, आप देख पा रहे होंगे, मतलब कि यहाँ पर लूप आपकी क्लोज होने वाली है। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा अब आपका मास्क कंप्लीट हो गया। अब मैंने कंट्रोल और ज़ीरो प्रेस किया तो इस तरह से हमारा मास्क बन के आ गया है। तो इस मास्क से सिलेक्शन बनाने के लिए आपको जो है राइट क्लिक करना है और मेक सिलेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ फेदर रेडियस लिखा होगा वहाँ पे अभी ज़ीरो है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो एजेस जो है आपकी सॉफ्ट होती जाएंगी, मुझे बिल्कुल हार्ड एजेस चाहिए अभी, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, यही मुझे सिलेक्शन चाहिए। और इस सिलेक्शन के बाद अगर हमें हेयर का जो है डिटेल्स निकालनी है वापस, तो सिलेक्टेड के साथ में ही यहाँ पर सिलेक्ट टूल पर जाना है और शिफ्ट प्रेस करके मैं सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करूँगा, उससे ये इस तरह का एक विंडो बन के आ जाएगी। उसमें अब क्या है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रेड हो रखा है, जैसे मैंने कुछ पहले यूज़ किया होगा, ऑन ब्लैक या ऑन वाइट आप इस तरह से रख सकते हैं बैकग्राउंड कैसा नज़र आए। अभी ओवरले में वापस मैं रेड रख रहा हूँ क्योंकि इसमें जो पीछे का जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी में नज़र आता है, यहाँ तक बाल थे। जहाँ जहाँ मैं इस ब्रश को मूव करूँगा वहाँ वहाँ से जो फाइन डिटेल हैं वो वापस आती जाएंगी। तो ये पूरे में एक बार मैं इसको जहाँ जहाँ पे हेयर के जो एजेस थे वहाँ पे मैं चला दूँगा, यहाँ पे जो हमने फाइन डिटेल थोड़ी सी छोड़ दी थी
इस सारे एरिया में। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से थोड़े बाल बाहर वापस निकल आए हैं। तो इस तरह से जो है हेयर के सिलेक्शन को आप थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। ये 100% यहाँ पे अच्छा काम नहीं करेगा, बिकॉज जो बैकग्राउंड था उसमें कॉन्ट्रास्ट कम था, बैकग्राउंड में भी बहुत ग्रे और डार्क टोन्स हैं और बालों में भी। तो अगर बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड होता तो ज़्यादा अच्छे से निकल के आता। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन का हिस्सा बन गया ये पार्ट भी। और अब ये मास्क का जो बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने मास्क पे क्लिक किया तो ये जो है कटआउट हमारे पास निकल के आ गया। पीछे चेकर बोर्ड है बिकॉज नीचे कोई लेयर नहीं है, तो मैं ये प्लस पे अगर क्लिक करता हूँ एक ब्लैंक लेयर आ जाएगी, इसको नीचे ले आता हूँ। जी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, या फिर यहाँ पे जो है पेंट बकेट टूल है इस पर क्लिक करता हूँ। कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जब ये से ब्लू है ब्लू डाल देते हैं यहाँ पे, या फिर डी प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाते हैं, एक्स प्रेस करेंगे तो वो कलर्स स्विच हो जाते हैं, या फिर ये बटन प्रेस कर सकते हैं स्विच करने के लिए। अब वाइट आ गया, मैं वाइट यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो हेयर जो ठीक सिलेक्ट हो गए थे वो ओके हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई हैं बिकॉज लेयर में जो है कॉन्ट्रास्ट बहुत था, पीछे डार्क था, तो ये ऊपर वाली लेयर पे मास्क पे क्लिक करना है और बी प्रेस करना है आपका ये ब्रश टूल जो है ये सिलेक्ट करना है। अब जहाँ जहाँ पे आप इसको पेंट करेंगे ब्लैक से, ब्लैक कलर से, वहाँ वहाँ पर मास्क पे जो है इस चीज़ को मिटा देगा। अब मान लीजिए आपने गलती से कुछ मिटा दिया और वापस लाना है, तो आप एक्सप्रेस करके एक बार जो है वाइट कलर को इस यहाँ पे ले आए फोरग्राउंड में, और जहाँ जहाँ आप उसको वाइट से पेंट करेंगे वो चीज़ वापस आ जाएगी। इनफैक्ट जो पीछे का बैकग्राउंड सारा हमने मास्क किया वो भी वापस आ जाएगा अगर आप चाहें तो। तो मैं फिलहाल कंट्रोल जेड करता हूँ और जो है वापस से ब्लैक कलर को प्राइमरी रखता हूँ। और अगर आपने नोटिस किया होगा मेरा ब्रश जो है उसकी एजेस बहुत इस टाइम पे हार्ड एजेस चल रही हैं। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी पेंट करना है गलती से इस लेयर पे पेंट नहीं करना, मास्क वाली लेयर पे ही पेंट करना, क्योंकि इस पे करेंगे तो वहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा। तो मास्क सिलेक्ट किया, ये इसके चारों तरफ देख रहे हैं वाइट सा सिलेक्शन बन गया। अगर मैं इस पे आता हूँ तो यहाँ पे वाइट सिलेक्शन बन गया। तो ध्यान रखना है कि मास्क आपने सिलेक्ट कर रखा हो। अब मैं ब्लैक कलर से पेंट करता हूँ तो ये मिट रहा है, लेकिन जहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ वहाँ पे एक हार्ड एज आ रही है। उसका रीज़न ये है कि मेरा जो ब्रश है वो यहाँ पे हार्ड एज वाला सिलेक्ट हो रखा है, हार्ड राउंड। मैं यहाँ पे सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लेता हूँ। इसमें क्या होता है, यहाँ से आप मिटाएंगे तो देख रहे हैं एजेस जो हैं सॉफ्ट आती हैं। तो जूम इन करके अब जो है मैं ब्रैकेट की जो होती हैं जो यहाँ पे एंटर से ऊपर जो लेफ्ट को होती हैं पी के साथ में, उनसे छोटा या बड़ा कर सकते हो आप इनको, ब्रश के साइज़ को। आप इधर से भी ब्रश के साइज़ को जो है ये 20 पिक्सल का है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर मैं ब्रैकेट की से करता हूँ तो वो भी एक वो शॉर्टकट हो गया। तो यहाँ से जहाँ जहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट नज़र आ रहे हैं, ख़राब नज़र आ रहे हैं सिलेक्शन, उसको हम मिटा लेते हैं यहाँ से। तो ये बेसिकली इरेज उस तरह से नहीं हो रहा। मास्क पे जब भी आप काम करते हैं उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपको इसमें से कुछ भी वापस चाहिए हो तो बस आप वहाँ पे वाइट पेंट कीजिए, वो पूरा पोर्शन जो है वापस निकल के आपके पास आ जाएगा। बाकी हमें इसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन हेयर जो है ये वाले इनके अंदर एडिशन करेंगे तो ये हम रिप्लेस ही कर देंगे ये वाला पोर्शन जो है सारा। यहाँ से आप इसको क्लीन अप कर लीजिए, ठीक है जी। ठीक है, फ़िलहाल इतने से काम चल जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत क्लीन अप हमने कर लिया है। अब इस लेयर का हम सबसे पहले तो जहाँ लेयर ज़ीरो लिखा है इस पर डबल क्लिक करके, और इसका नाम हम गर्ल कर देते हैं। ये नेमिंग करना बड़ा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि बाद में जब लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आपको ऑब्जेक्ट्स ढूंढने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको रीनेम कर लेना बेटर रहता है। और ये इसको हम बीजी कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, जो नीचे कैनवास है। अब एक स्टेप जो सबसे पहले मुझे करना चाहिए था मैं भूल गया, वो ये है कि सबसे पहले आप इसको सेव कर लें। तो ये सेव एज़ पे हमने क्लिक किया, मैं इसका नाम रख देता हूँ मैट ट्यूटोरियल, MATTE, जैसे हमें लिखा ये स्पेलिंग है मैट की। अब कुछ लोग इसको मैटे बोलते हैं, कुछ मैट बोलते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी, आपको क्या बोलना है। यूजुअली लोग इसे मैट पेंटिंग कहते हैं, तो ये मैं इसका नाम मैट पेंटिंग ट्यूटोरियल रख देता हूँ, ओके। तो ये मैंने फोटोशॉप फाइल सेव कर ली है। सेविंग बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आपका पहला काम ये होना चाहिए आप फाइल सेव करें, और थोड़ी थोड़ी देर में जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो फाइल सेव कर लिया कीजिए, क्योंकि कभी सॉफ्टवेयर वगैरह क्रैश हो जाता है इस तरह से होता है, तो ताकि आपकी फ़ाइल जो है
आपको रिकवर्ड मिल जाए, ज़्यादा काम दोबारा ना करना पड़े। तो ये दो लेयर हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है कि बैकग्राउंड में मैंने जैसे कि लेक मुझे चाहिए थी, तो ये कुछ मैंने इमेजेस इकट्ठी कर रखी हैं, ये बैकग्राउंड में लेक की फ़ोटो मैंने ढूंढ के रखी थी जो मुझे पसंद है, तो इसको मैं उठा करके अपने सीन के अंदर प्लेस करता हूँ। तो ये लेक आ गई है, इसको हम पीछे रखते हैं फिलहाल। अब ये लेयर जो है, यहाँ पे जो लेयर्स हैं इस तरह से काम करते हैं कि जो यहाँ पे नीचे है, अगर आप मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, आपने एक फर्स्ट पेपर रखा, वो बीजी हो गया वाइट कलर का पेपर, उसके ऊपर आपने ये एक और फ़ोटो रखी, वो है लेक की फ़ोटोग्राफ, और उसके ऊपर ये लड़की का आपने कटआउट रखा, तो ये आपको कटआउट के पीछे जो है लेक वाली फ़ोटोग्राफ नज़र आएगी, लेकिन लेक वाली फ़ोटोग्राफ कंप्लीट है इसलिए उसके नीचे का जो है आपको वाइट पेपर नज़र नहीं आएगा। अगर मैं लेक वाली फ़ोटोग्राफ के ऊपर एक मास्क बनाता हूँ और इस मास्क में जो है मैं वैसे ही बी से जो है ब्रश टूल सिलेक्ट करके और जो है थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ और इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से, तो बेसिकली इसके नीचे का जो सफ़ेद कागज़ था वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर इसकी जगह कोई और वाइट पेपर की जगह कुछ और होता, मान लीजिए मैं इसके ऊपर जो है कलर डाल देता हूँ या फिर कुछ और, क्या मैं आपको एक नई लेयर बना के दिखाता हूँ। अगर एक और लेयर ले ली हमने, इसके नीचे कोई मान लीजिए रेड हम पेपर रखते हैं, ये रेड कलर ले लिया मैंने यहाँ से और इस पर ड्रॉप कर दिया, तो ये इस लेयर के नीचे जहाँ पे कटआउट है वहाँ पे आपको रेड नज़र आएगा। अगर मैं उस रेड पेपर को मान लीजिए मूव करता ऐसे, तो आपको उसे कॉर्नर नज़र आ रहा है। रियल लाइफ में भी अगर आप एक वाइट कागज़ लेते, उसके ऊपर एक रेड कागज़ को ऐसे ऑफसेट रखते, उसके ऊपर एक होल वाले फोटोग्राफ को रखते, तो आपको ऐसा ही नज़र आता। तो ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं। ये नॉर्मली मतलब जो थोड़ा बहुत फोटोशॉप जानते हैं उनको पता होगा, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लेयर्स ऐसे काम करती हैं। सिर्फ रियल लाइफ में आप एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर रखोगे। तो फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और जो है मास्क को भी डिलीट कर देता हूँ। लेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जिनको अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं है वो प्रैक्टिस करते करते समझ जाएंगे। एक बार आपको लेयर्स कैसे काम करती हैं समझ में आ गया तो आपके लिए फ़ोटोशॉप जो है बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। अब लेक का बैकग्राउंड हमने डाल दिया है, दूसरी चीज़ क्या थी, मून। तो मैं वापस से अपना वही फोल्डर खोलता हूँ जिसमें मैंने सारा सामान रखा हुआ है। तो मून की ये इमेज थी जो मुझे पसंद आई थी, तो ये इमेज जो है मैं ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये इमेज ऐसी आ गई है, इसको मैं वैल्यू ऊपर रख लेता हूँ। इसको भी मैं जो है कटआउट करके निकालूँगा, जैसे हमने पेन टूल से लड़की को कटआउट करके निकाला था। अभी जो है मैं सिलेक्शन वगैरह जो बना रहा हूँ वो थोड़े रफ बना रहा हूँ, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल, आप जितना इसके ऊपर टाइम लगाएंगे उतना ये जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी कटआउट होकर निकलेगी, ज़्यादा साफ नज़र आएगी। राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, 0 पिक्सल, और ये मैंने मास्क बना दिया। तो जो है मून का कटआउट आ गया। अब इसको कंट्रोल टी प्रेस करके, अभी आपने नोटिस किया कि मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये पूरा आउटलाइन का सिलेक्शन, पूरा फ्रेम का सिलेक्शन बन गया, क्योंकि ओरिजिनल इमेज इतनी बड़ी थी और मास्क लगा हुआ है, तो ये चाहे मैंने कटआउट कर लिया हो ये पूरी इमेज को ही जो है बॉर्डर्स मान रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मून का जो है एक और कॉपी लेता हूँ, ओरिजिनल को मैं कर देता हूँ हाइड, और जो नए कॉपी है एक और खाली लेयर लेके उसके साथ में इसको दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करके दोनों को मर्ज कर देता हूँ। तो नई लेयर आ गई, इसका नाम हम मून कटआउट रख लेते हैं। तो इस लेयर के ऊपर कोई मास्क नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ मून की लेयर है। अगर आप इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे इसके ऊपर तो जो बॉर्डर बने हैं ये बिल्कुल एजेस तक आएंगे जहाँ तक कटआउट था। तो ऐसा करके हम इसको इजीली जो है यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अब ये जो कॉर्नर्स हैं, अगर आप कंट्रोल सिलेक्ट करके किसी भी कॉर्नर को ड्रैग करते हो तो आप उसको इंडिविजुअली मूव कर सकते हो। सबसे पहले तो पोजीशन लगा लीजिए जिस तरह की आपको मून की चाहिए, फिर आपकी जो शेप है मून की इसको एनहांस करने के लिए आप इसको पर्सपेक्टिव के साथ खेल सकते हैं, जो आपको बेटर लगता है उस टाइप की शेप आप इसकी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपकी सेटिस्फैक्टरी शेप नहीं निकल के आ रही है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे वार्प के ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो है इंडिविजुअली कुछ पॉइंट्स से पकड़ करके इसको मून की शेप को चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ शेप इस तरह की हो गई है, बहुत अच्छी शेप नहीं बनी है ये, बट इस पर और टाइम लगाएंगे तो और बेटर हो जाएगी। फिलहाल जो है इसको मैं मून कटआउट को ड्रैग करके गर्ल वाली लेयर के नीचे ले जाता हूँ, तो ये जैसे इसका हैंड और क्लोथ ऊपर आ गया। अब मैं मून वाली लेयर को इस तरह से एडजस्ट करता हूँ कि जहाँ पे मुझे लगता है गर्ल इसके ऊपर बैठी होगी, तो
तो ये आप इसको अप और डाउन की डायरेक्शन जो कीबोर्ड पे है उससे आप बिल्कुल ही थोड़े थोड़े फ्रैक्शन में ही मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और वार्प करके यहाँ पे जो ये क्लोथ आप देख रहे हैं ये क्लोथ के साथ इसकी एज मैच कर देता हूँ ताकि लगेगी कपड़ा इस चांद के ऊपर ही यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है जी, और जो है थोड़ा इसको ज़्यादा थिक लग रहा है, यहाँ से थोड़ा इसको पतला कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो अभी हमने बेसिकली चांद रख लिया है, उसके ऊपर ये लड़की आ गई है, पीछे हमारा लेक का बैकग्राउंड आ गया। तो फ़िलहाल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इसी के लिए अपने को इस पर थोड़ा और टाइम लगाना पड़ेगा। अब लेक का जो बैकग्राउंड है वो ओके है वैसे, जो पानी है नीचे, बट जो है पानी के अंदर वो रिपल्स वाली फीलिंग नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक जो है ये ओशन की इमेज मुझे पसंद आई थी, ये मैंने ले ली। इसको मैं अगर लेके जाता हूँ यहाँ पर और फोटोशॉप में यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, तो ये ओशन की इमेज जो है इसको मैं लेके आऊँगा, मून से नीचे ले आता हूँ, लेक के ऊपर ले आता हूँ इस लेयर को। और अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मोड्स हैं कि ब्लेंडिंग मोड्स इसे बोलते हैं, कि ये इमेज जो आपकी अभी नॉर्मली ऊपर रखी हुई है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे और ये जैसे अलग अलग मोड्स हैं, डार्कन, मल्टीप्लाई, अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो एक एक मोड ये बदलता हुआ नज़र आएगा। जो भी डार्कन और मल्टीप्लाई वगैरह मोड हैं ये इमेज को डार्क कर देते हैं, और ये लाइटन और ये स्क्रीन ओवरले इस तरह के मोड जो हैं ये स्क्रीन को ब्राइट कर देते हैं। तो ऐसे ओवरले मोड है इसके अंदर मुझे जो है थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीन जो था उसमें भी अच्छा था बट उसमें बहुत ब्राइट हो गया था सीन, तो इतना ब्राइट हमें करना नहीं, हम ओवरले मोड कर लेते हैं। ओवरले मोड के अंदर ये पानी का इफेक्ट आ गया। अगर मैं इसे ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो पहले ऐसे पूरी लेक जो थी वो बिल्कुल फ्लैट वाटर था, अब जो है ये वेव्स टाइप का इफेक्ट आ गया। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो कलर्स हैं पूरी इमेज के वो बदल रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा ब्लू हो गया ऊपर, और हम नहीं चाहते कि वैसे भी ऊपर वाला स्काई उसको इफेक्ट करे हमारे बैकग्राउंड स्काई को। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर मास्क लगाते हैं और बी प्रेस करके वही ब्रश टूल से ब्लैक कलर सेलेक्ट करके और ऊपर का सारा पोर्शन हम मिटा देते हैं जहाँ तक ये पेड़ और पहाड़ हैं। तो अब जो ये वाटर वाला इफेक्ट है, ये रिपल्स वाला, ये सिर्फ नीचे नीचे यहाँ पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा इस गर्ल की जो इमेज है इसको हल्का सा हम ब्राइट कर लेते हैं, अभी काफ़ी डार्क की नज़र आ रही है। ब्राइट करने के लिए यहाँ पे जो है एक बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये एडजस्टमेंट लेयर्स का बटन है। यहाँ पे कर्व्स का जैसे ये इफेक्ट बना हुआ है या फिर ये वाइब्रेंस, जितने भी सारे इफेक्ट हैं आप लगा सकते हैं इसमें से। यहाँ पे मैं फ़िलहाल जैसे लेवल्स का लगा लेता हूँ। अब ये लेवल्स का इफेक्ट जो आ गया इधर राइट साइड से, इसका जो मैं ड्रैग करूँगा जैसे, तो थोड़ा इमेज ब्राइट होती जाएगी। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि पूरी पूरी इमेज ब्राइट हो रही है क्योंकि ये इससे नीचे के सारे लेयर्स को इफेक्ट कर रहा है। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके जैसे नॉर्मली यहाँ पे आएंगे तो आपको ये पॉइंटर इस तरह का बना हुआ नज़र आएगा, लेकिन अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये इस तरह का एक पॉइंट बना जाएगा कि नीचे की तरफ एरो का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं अब ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट बना गया कि नीचे की तरफ जिसमें एरो बना हुआ है, मतलब ये इफेक्ट जो है सिर्फ इससे नीचे लेयर पर काम कर रहा है। तो अगर मैं इसे ऑन ऑफ करता हूँ सिर्फ ये गर्ल की लेयर के ऊपर काम कर रहा है। तो हमने इसको अलग से एडजस्टमेंट लेयर में क्यों लगाया, हम डायरेक्टली भी इसको बेक कर सकते थे फोटो के अंदर। अगर मैं इसे हाइड करता हूँ और कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ तो वही लेवल्स का इफेक्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ऐसे भी इमेज को मैं कर सकता हूँ, बट इस केस में क्या है कि वो इमेज के अंदर बेक हो गया, अगर मुझे अलग से बाद में चेंज करना हो तो मैं नहीं कर सकता। तो मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ और ये एडजस्टमेंट लेयर में लगाया हुआ है, इसे मैं कभी भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है इसकी जो ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए अगर मुझे लगता है ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो ये कंट्रोल रखने के लिए हम जो है अलग से इसको एडजस्टमेंट लेयर को अलग से लगाते हैं। और इसके अंदर एक और फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर मास्क जैसे लगा हुआ है, इस मास्क के ऊपर जाके मान लीजिए मुझे ऐसा चाहिए कि बी प्लस मैं करता हूँ, मुझे ऐसा चाहिए कि सिर्फ जो है लेग जो है वो ब्राइट रहे, फेस ब्राइट रहे और लेग ब्राइट ना रहे, तो मैं जहाँ जहाँ पे जो है मिटाता जाऊँगा वहाँ पे ओरिजिनल लेयर नीचे से निकलती जाएगी। तो मैं सारा जैसे मिटा देता हूँ सिर्फ फेस ब्राइट हो जाएगा, या फिर उल्टा करना है कि फेस को ब्राइट नहीं करना बाकी ब्राइट करना है। तो बेसिकली आपके पास पूरी पावर रहती है इसको कंट्रोल करने के लिए। फिलहाल अपने को ये कंप्लीट ही ब्राइट चाहिए तो इसको ऐसा रख लेते हैं। अब जो मून है जैसे बहुत ही यहाँ पे डार्क नज़र आ रहा है, तो इस तरह से हम जो मून है मून के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट लगा लेते हैं, लेवल्स की लेयर लगा लेते हैं। इसको इसके बाद बाइंड कर देते हैं वही ऑल्ट प्रेस करके और लेफ़्ट क्लिक, और यहाँ पे आकर के हम इसकी जो है ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाते हैं और यहाँ से सेंटर से लेकर के इसको इसकी जो है नीचे वाले बटन को, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट से मूव करेंगे इसको
तो जो है ओवरऑल जहाँ डार्कनेस थी वो पॉइंट्स थोड़े ब्राइट होते जाएंगे इस तरह से। तो क्योंकि मून के अंदर से हमने दिखाना है ग्लो निकल रहा है, तो उसके अंदर इतनी हम डार्कनेस नहीं दिखाएंगे। और थोड़ा सा इसको और एक और चीज़ हम इसमें करेंगे, हम एक और एडजस्टमेंट लेयर लगेंगे, उसको हम करेंगे ह्यू सेचुरेशन लेयर, इसको भी हम बाइंड करेंगे मून के साथ। और यहाँ पे हम कलराइज पे क्लिक करेंगे, कलराइज पे क्लिक करने से क्या ओवरऑल एक कलर आ जाता है इसमें। तो हम यहाँ पर जो है इसको ब्लूइश टोन देंगे, ब्लूइश एक्वा टोन, ताकि ये ग्लो टाइप का नज़र आए ब्लू कलर का। अभी शेडोज़ पहले हमारी बिल्कुल जो है ब्लैक थी, अगर मैं ये वाला इफेक्ट बंद करता हूँ लेवल्स वाला, पहले शेडोज़ ब्लैक थी, जैसे हम ह्यू सेचुरेशन लगाते हैं तो जो है शेडोज़ के अंदर थोड़ा कलर आ जाता है। सेचुरेशन यहाँ से बढ़ाएं थोड़ा सा, उसके अंदर अब वो कलर नज़र आ जाएगा। तो इसको जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जहाँ पे शेडोज़ हमारी उठी जो लेवल्स वाला इफेक्ट था उससे, वहाँ वहाँ पूरे में ब्लू कलर हो गया। अब इसकी आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बहुत वॉश्ड आउट लग रहा है तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 50% कर लेते हैं। और ये जो मून लेयर है इसके ऊपर हम लगाते हैं अब ग्लो। मून लेयर को सिलेक्ट किया हमने, एफएक्स पे गए, यहाँ पे जो है आउटर ग्लो पे क्लिक किया, तो ये लेयर स्टाइल्स का पैनल आ जाएगा, इसमें आपका आउटर ग्लो सिलेक्टेड है। और भी आप कोई लगाना चाहे तो वो चीज़ें लगा सकते हैं। और ये ग्लो जो है बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर का है, इसमें हम इसका कलर चेंज करके कुछ एक्वा ब्लू टाइप का कर देते हैं। और ग्लो का जो है यहाँ पे आप ऑप्शंस हैं, उसके स्प्रेड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो स्प्रेड को ज़्यादा बढ़ाने से वो इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा, स्प्रेड को हम कम करते हैं और साइज़ को थोड़ा सा अगर हम बढ़ाते हैं तो इस तरह की थोड़ी सी आउटपुट आएगी। और ओपेसिटी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ओपेसिटी नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा कम करेंगे ताकि वो बस ग्लो का एक सटल सा इफेक्ट आए और चीज़ गंदी ना लगे ज़्यादा। अब यहाँ पर इफेक्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ग्लो लगाने से क्या हुआ है। फिर से हम कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं ताकि इमेज हमारी सेव हो जाए, हर स्टेप के ऊपर कंट्रोल एस दबाते जाना है। अब ये तो हमने चलो बेसिकली इमेजेस को रख लिया है। अब जो वाव फैक्टर पहले कैसे आ रहा था, हमको चीज़ को अच्छा बनानी, जैसे मैं वो इमेज खोलता हूँ, इसमें ये इमेज बहुत ब्लेंडेड है, इसके अंदर जो है बहुत सब कुछ आपको ब्लेंडेड नज़र आ रहा है। उसका क्या रीज़न है, उसका मेन रीज़न है लाइटिंग। और रियल वर्ल्ड में अगर आप किसी कैमरा से फोटो खींचते हैं तो अगर आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर रहे हैं, पीछे की चीज़ें आपको ब्लर नज़र आती हैं। तो आप ये देख रहे हैं, आप ये पीछे जो आपके माउंटेन है और ट्रीज़ हैं ब्लर नज़र आ रहे होंगे आपको, इस केस में ये शार्प नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब लेक का बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम फिल्टर पे गए, यहाँ पे ब्लर गैलरी है, इसके अंदर एक टिल्ट शिफ्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। इसमें क्या है कि ये पॉइंट जो है ना, इसको आप उठा करके जहाँ पे भी रखेंगे, बेसिकली इसको आप ड्रैग करिए, तो ये पॉइंट पे जो है ब्लर ज़ीरो होगा, इससे ऊपर ऊपर जो है ब्लर ज़्यादा होता जाएगा और इससे आगे आगे भी ज़्यादा होता है। जो ये रेंज है इसके अंदर ब्लर ज़ीरो होगा, तो इसको हम यहाँ रखते हैं जो मून के आसपास की लेयर है। और आप देख पा रहे हैं इस लाइन के पीछे जो है सब चीज़ें ब्लर हो गई हैं। अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करता जाता हूँ तो ब्लरनेस कम होती जाएगी, इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो इस लाइन से नीचे की सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी। तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्लर चाहिए, तो मैं यहाँ से पीछे जाते हुए जो है ब्लर बढ़ता जाएगा, ऐसा मैं इसको इफेक्ट को क्रिएट करता हूँ। तो ये मुझे पसंद आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे ब्लर की आप वैल्यू भी डाल सकते हैं, यहाँ पे 15 पिक्सल है बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे ठीक लग रहा है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कितना आपको ब्लर रखना है। तो ज़्यादा करने से आपको पता लग रहा है कि ब्लर कहाँ काम कर रहा है। तो ये लाइन जो है इसके पीछे यहाँ से ज़ीरो से ब्लर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 192 मैंने लिखी है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 192 है, ऐसे ग्रेजुअली बढ़ रही है। इसको वापस हम 15 कर देते हैं, ये इनफ है फिलहाल के लिए। और यहाँ पे ओके पे हम क्लिक करते हैं, तो जो है ये हमारा ब्लर इसके अंदर बेक इन हो गया है। ये स्मार्ट फिल्टर में ब्लर लगा है हमारा, तो इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लर ऑन ब्लर ऑफ ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो लड़की के जो बाल हैं जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, वो भी इतने इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। तो पहले हम गर्ल लेयर पे चलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं लेयर्स बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए नेमिंग जो है काम आती है। तो अगर हम राइट क्लिक करें यहाँ पे और ये लेयर्स के नाम यहाँ पे आपको नज़र आ जाते हैं, तो गर्ल लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा सिलेक्शन गर्ल लेयर के ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं फिर से वो फोल्डर खोलता हूँ जहाँ पे मेरा रॉ डेटा है। यहाँ पे हेयर नाम का जो ये फाइल पड़ी हुई है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लाता हूँ और यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। ये मैंने एक इमेज में से जो है, पता नहीं करीना कपूर की थी किसकी थी, मैंने एक इमेज में से ये कटआउट निकाल लिया, तो उसको गंदा सा कटआउट किया हुआ है। इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ पे हम लेके आएंगे
इसको स्केल डाउन करेंगे, जूम इन, और ये आप देख रहे हैं कि वो हमारी जो लेयर थी उसमें एंटर कर देता हूँ, ये उन दोनों के बीच में आ गया जो हमने इफेक्ट लगाया था कर्व्स का, तो इसको मैं ऊपर ले आता हूँ और ये वापस से उसका वो हट गया, पूरी सारे पूरे बैकग्राउंड पर अब ये इफेक्ट कर रहा है लेवल्स, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा ताकि सिर्फ गर्ल वाली लेयर पे ये काम करे। हाँ, इसके ऊपर अब हम ये हेयर लेके आए हैं, इसको हम जो है यहाँ पे बेसिकली मैच करने की कोशिश करेंगे, जो बैक ऑफ द हेयर है ये वाला पार्ट जो है वहाँ पे ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस सिलेक्शन था यहाँ के हेयर्स को फाइन डिटेल निकाल लिया था, बाकी का कटआउट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। और यहाँ पे इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब जो है ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया इसको, अब इसके ऊपर मास्क लगाएंगे हम, और मास्क लगा करके वही बी प्रेस करेंगे जिससे ब्रश टूल आ जाए, और ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे, जहाँ जहाँ ब्लैक से पेंट करेंगे वो पूरा पोर्शन जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं, और जो है ये हाथ के पास से यहाँ से मिटा देते हैं। आप इसको डिटेल में जा करके अच्छे से जो है ब्रश को साइज छोटा करके और प्रॉपर भी, अब मैं वाइट से पेंट करूँगा जो मैंने ज़्यादा मिटा दिया उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, तो जितना आप इस पर टाइम लगाएंगे उतना फाइन जो है इसको सिलेक्शन बना सकते हैं। तो बेसिकली ये बाल इस तरह से हमने लगाए हैं। अब ये बाल लग तो गए, बट ये कलर जो है मैच नहीं कर रहा बालों के साथ, तो कलर मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वैसे ही इफेक्ट लगाएंगे जो है ह्यू सैचुरेशन का। सैचुरेशन को हम कम करेंगे ताकि जो ये अभी एक फिर से वही चीज़ कि ऑल्ट प्रेस करके एक बार क्लिक करना है ताकि सिर्फ बालों पे काम करे, और सैचुरेशन को कम करने से देखिए जब ज़्यादा करते हैं तो कलर आता है और कम करने पे कलर बिल्कुल गायब हो जाता है। अब ये कलर तो गायब हो गया बट इसमें जो हाईलाइट बहुत ज़्यादा थी तो ये ऐसे वाइट ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है लाइटनेस को कम करेंगे ताकि जो है डार्कनेस ज़्यादा हो जाए इसके अंदर। और ये आप देख पा रहे हैं कि जो बाल हैं वो ब्लेंड हो गए हैं बैकग्राउंड वाले बालों के साथ में, अगर मैं इस इफेक्ट को ऑन ऑफ करता हूँ तो ये बाल थे और अब ये कलर हो गया है। ठीक है, तो आप हेयर ऑन ऑफ करके देखेंगे यहाँ पे इतना बालों को फ़र्क पड़ गया। तो बेसिकली मैंने ये सिर्फ बताने के लिए किया, इसके अंदर आप और लेयर्स डाल करके बालों को और घना बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो है और ज़्यादा इसका जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, थोड़े और फैंटेसी टाइप के बाल हो जाएंगे। तो एक स्टेप ये भी अपना हो गया, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और धीरे धीरे जो है पेंटिंग सामने आती जा रही है। अब जो है ये पूरी की पूरी जो चीज़ है यहाँ से लेकर बालों से लेकर के लड़की और ये चांद वाली जो है, इस पोर्शन में एक मैंने जो है बटरफ्लाई भी डाली हुई थी, तो वो मैं बटरफ्लाई जो है ये इसका ऑलरेडी कटआउट किया हुआ है, और ये एक मैजिक था, मैजिक का कुछ पार्टिकल्स थे, इसका कटआउट किया हुआ है। इनको मैं दोनों को ड्रैग कर लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर, तो यहाँ पे जो दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब ये बटरफ्लाई के लेयर को मैं ऊपर रखता हूँ और इसको यहाँ कहीं ले आते हैं, और जो मैजिक की लेयर है इसको यहाँ इसके पीछे लगाता हूँ ताकि ये थोड़ा इस तरह का इफेक्ट आए कि मैजिक जो है बटरफ्लाई में से एमिट हो रहा है। इन दोनों को मैं इधर इकट्ठा सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और ये इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस चीज़ को यहाँ पे, जैसा कि मैंने ओरिजिनल मैट पेंटिंग में रखा हुआ था, थोड़ा रोटेट कर देता हूँ तो उसी टाइप का कुछ इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के मामले में मोस्टली सब चीज़ें प्लेस हो गई हैं। अब ये ट्यूटोरियल यहाँ पे बहुत लंबा हो गया है तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और दो पार्ट में इस ट्यूटोरियल को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होगी और नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर इससे आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझको जाकर के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे मेरा पेज लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।